सो न्यूमेरिकल टेक्सनॉमी वॉट इज़ न्यूमेरिकल टेक्सनॉमी ऐसा समझा जाए तो न्यूमेरिकल टेक्सनॉमी इज़ सिमिलर टू द क्लासिकल टेक्सनॉमी बस फ़र्क ये होता है कि इसमें हर कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया जाता है और उस नंबर को हम कंप्यूटर से एनालिस एनालिसिस उस कर जब भी करते हैं तो उससे सिमिलर कैरेक्टर्स में जो नंबर्स आते हैं उन नंबर्स को एक टेक्सनॉमिक ग्रुप में रख दिया जाता है उन नंबर के हिसाब से एक टेक्सनॉमिक ग्रुप बनाया जाता है और उससे हम अफिनिटीज जान सकते हैं और उससे ही हमारा जो टेक्सनॉमी का जो पूरा बेस है न्यूमेरिकल टेक्सनॉमी का वो तैयार होता है इंट्रोडक्शन न्यूमेरिकल टेक्सनॉमी इज़ न्यूमेरिकल मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स बाय यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी एक न्यूमेरिकल मेथड है फॉर एनालिसिस ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स अलग अलग कैरेक्टर्स को समझने का ये एक न्यूमेरिकल मेथड है इसमें शुरुआत में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया गया था इनली ओनली द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर कंसीडर्ड लेकिन लेटर ऑन साइटोलॉजिकल हिस्टोलॉजिकल और बायोकेमिकल करेक्टर्स को भी लिया गया सो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो टर्म है न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ करेक्टर्स ये तो सिंपल सा है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस होता है हर करेक्टर को एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया जाता है न्यूमेरिकल टेक्सनॉमी में फिर आता है टेक्सोमेट्रिक्स अब टेक्सोमेट्रिक्स जो है इट इज़ एनालिसिस ऑफ दिस करेक्टर्स यूजिंग अ कंप्यूटर तो जब हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर टर्म आता है वो होता है टैक्सोमेट्रिक्स फिर आता है फिनेट्रिक्स फिनेट्रिक्स का मतलब होता है कंपैरिजन करना तो फिनेट्रिक्स में बेसिकली कंपैरिजन होता है द कम्पेटिव न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ अफिनेटिस सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स फिर आता है कि किसने दिया था कॉन्सेप्ट तो इंट्रोडक्शन में तो पहले यही आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट किसने दिया था न्यूमेरिकल टेक्सनॉमिक का तो न्यूमेरिकल टेक्सनॉमिक का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था सोकल ने स्नीत एंड सोकल ने 1973 में उनका ये बुक जो जो पब्लिश किया था उसका नाम था न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी तो आ, जो सेकंड टॉपिक होता है ये हो गया इंट्रोडक्शन फिर आता है सेकंड टॉपिक कि कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्सोनॉमिक ग्रुप तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ जो होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप तो एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप का जो है फॉर्मेशन किया जाता है टेक्सोनॉमिक ग्रुप क्या होता है द ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिमिलर आर पुट टुगेदर और उस जो ग्रुप है उसको ही हम टेक्सोनिक ग्रुप कहते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के लिए छः अलग अलग स्टेप्स हैं जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ ओ टी ओ टी यू यानी कि ऑपरेशनल टेक्सनॉमिक यूनिट फिर आता है यूनिट कैरेक्टर यूनिट कैरेक्टर का भी फॉर्मेशन करना पड़ता है फिर ओ और यूनिट कैरेक्टर दोनों का एनालिसिस होता है जिसको बोलते हैं डाटा एनालिसिस डाटा एनालिसिस में मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है फिर ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैट्रिक्स हम रिसम्बलेंस को चेक करते हैं और उस स्टेप को बोलते हैं रिसम्बलेंस एनालिसिस या मेजरमेंट ऑफ रिसम्बलेंस फिर आता है क्लस्टर uh, एनालिसिस जो रिसम्डेंस हैं उसके बेसिस पे हम ग्रुप्स बनाते हैं और उन ग्रुप्स को इनिशियली क्लस्टर बोलते हैं फिर उन क्लस्टर के अंदर और जो ऐसे ग्रुप्स हैं uh, उनका फॉर्मेशन होता है और उसको कहते हैं फिनॉन्स तो यहाँ पर टोटल छः स्टेप्स हैं देखिए यहाँ पर समझते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्सनॉमिक ग्रुप को न्यूमेरिकल टेक्सनॉमिक इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्सनॉमिक ग्रुप सो टेक्सनॉमिक ग्रुप का फॉर्मेशन करना पड़ता है न्यूमेरिकल टेक्सनॉमिक में बेस्ड ऑन द अफिनिटीज ऑफ करेक्टर दिस टेक्सनॉमिक ग्रुप्स इन्वॉल्व ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर करेक्टर्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्सनॉमिक ग्रुप इज स्टेप बाई स्टेप सिक्वेंसल प्रोसेस इट इन्वॉल्व सिक्स स्टेप्स दे आर तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमिक में टेक्सोनॉमिक ग्रुप जो बनता है इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द अफिनिटीज़। जो ऑर्गेनिजम्स है ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स आर पुट टुगेदर इन दिस टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स अब बात करते हैं सीधा पहला स्टेप की ये है ओ टी ऑपरेशनल टेक्सोनिक यूनिट तो क्या होता है ऑपरेशनल टेक्सोनॉमिक यूनिट तो ऑपरेशनल यानी कि परिचालक यानी कि सबसे बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं ऑपरेशनल टेक्सनॉमिक यूनिट में तो ये एक यूनिट है ये तो नाम से पता चल रहा है कि दिस इज़ अ यूनिट सो इट इन्वॉल्व्स द मोस्ट बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर्स फॉर गिवन ऑर्गेनिजम्स और ये एक सिंगल स्टेट कैरेक्टर होता है तो ऑपरेशनल टेक्सनॉमिक यूनिट इज अ बेसिक फंडामेंटल न्यूमेरिकल कैरेक्टर दैट कैन बी लॉजिकली क्लासीफाइड अंडर द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमिक तो ऑपरेशनल टेक्सोनॉमिक यूनिट में किसी ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर करेक्टर जो है उसको एक नंबर दे दिया जाता है और इसकी खासियत क्या है ऑपरेशनल टेक्सोनॉमिक यूनिट की सो दिस इज नॉट कंपेरेबल यूनिट ठीक है ऑपरेशनल टेक्सोनॉमिक यूनिट को हम कंपेयर नहीं कर सकते प्लस इट इज़ नॉट हायर लेवल यूनिट इसको हाई लेवल में हम नहीं यूज़ कर सकते और इसको इंडिविजुअल लेवल में ही रखा जाता है ए अगर स्पीशीज़ हैं उस स्पीशीज़ का एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल खाली उसी के लिए ये लागू होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम के लिए ये लागू नहीं होता द यूनिट इज टेकन ओनली फॉर इंडिविजुअल रेदर देन मनी इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज एस इट इज़ अ फंडामेंटल कैरेक्टर इट कैन नॉट बी यूज फॉर हायर लेवल्स तो हायर लेवल में यूज़ नहीं किया जा सकता प्लस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए इसका इस्तेमाल होता है फर्दर मोर द ओ टी यू और द ऑपरेशनल टेक्सनॉमिक यूनिट इज नॉट अ कम्पेरेबल टेक्सोनॉमिक यूनिट सो इट इज़ नेमलेस ऑपरेशनल और परिचालक टेक्सोनॉमिक यूनिट तो इसमें वही बताया गया कि ये कंपेरेबल नहीं होता तो तीन चीज़ें आती हैं ऑपरेशनल टेक्सनॉमिक यूनिट में कि दिस इज़ नॉट अ कंपेरेबल यूनिट सेकेंड इट इज़ नॉट अ हायर लेवल यूनिट आगे अगर बढ़ बढ़ें हम और जो तीसरा है इट इज़ अ बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर तो यूनिट कैरेक्टर तो यूनिट कैरेक्टर क्या होता है देखिए यूनिट कैरेक्टर सो so व्हाट इज़ यूनिट कैरेक्टर यूनिट कैरेक्टर जो है ये ऑपरेशनल टेक्सर यूनिट का थोड़ा सा हायर वर्जल बोल सकते हैं इसमें ऐसे करेक्टर्स लिए जाते हैं जो सिंगल स्टेट नहीं होते बल्कि मल्टी स्टेट होते हैं सो अ यूनिट करेक्टर इज़ अ बेसिक फिनोटाइपिक करेक्टर तो ये फिनोटाइपिक भी होता है यानी कि एक मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर होता है एंड अ करेक्टर ऑफ मोर टू और मोर स्टेट तो यही फ़र्क है ऑपरेशनल टेक्सन यूनिट में और यूनिट कैरेक्टर में कि वो सिंगल स्टेट के लिए होता है और ऑपरेस ये जो यूनिट करेक्टर जो है ये मल्टी स्टेट के लिए होता है या टू और मोर स्टेट या टू स्टेट भी होता है विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड लॉजिकली द फिनोटाइपिक इज ऑलवेज यूज अ फिनोटाइपिक करेक्टर इज ऑलवेज यूज फॉर दिस बेसिक इन्फॉर्मेशन दस प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ यू इन अ ग्रास स्पिकलेट में यूनिट करेक्टर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, दिया हुआ है एक यू इन अ ग्रास इज अग्जाम्पल ऑफ यूनिट कैरेक्टर ऐसे करके और ये हमेशा एक फूनिटापिक करेक्टर होता है ये भी याद रखने वाली बात है और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स ऑफ यूनिट कैरेक्टर तो यूनिट कैरेक्टर के ऑर्गेनाइजेशनल लेवल क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ऑफ यूनिट कैरेक्टर में वेरी फ्रॉम करेक्टर टू करेक्टर बट एज अ रूल ईच यूनिट कैरेक्टर में रिप्रजेंट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशनर तो इसमें कुछ खास नहीं है इसके अलावा सीधा क्लासिफिकेशन में आते हैं क्लासिफिकेशन में जैसे यूनिट कैरेक्टर को दो दो टाइप्स में बांटा गया है पहला होता है बाइनरी और दूसरा होता है मल्टी स्टेट और अगर डिप में जाए तो मल्टी स्टेट के भी दो टाइप्स होते हैं पहला होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव अगर ब्रॉड वे में कहा जाए तो जो बाइंड्री जो होता है दिस इज सिंपल कैरेक्टर एक सिंपल सा करेक्टर होता है विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इफ प्रेजेंट पॉजिटिव और इफ़ नॉट नेगेटिव ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो टर्म होता है ये सीधा आता है हमारे जो एनालिसिस जब करते हैं डाटा एनालिसिस उसमें एनेक्सटी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है उसमें इसका यूज़ होता है तो यहाँ पर आते हैं सीधा बाइंड्री करेक्टर में सो बाइंड्री करेक्टर वॉट इज बाइंड्री करेक्टर बाइंड्री करैक्टर रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कोडिंग वी वेयर द करेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाई प्लस एंड नेगेटिव और बाय वन और जीरो द पॉजिटिव कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एस प्लस और वन वायर द नेगेटिव कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एस नेगेटिव और जीरो सो सिंपल सा है बाइनरी करेक्टर्स में इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कोडिंग पहला तो दूसरा अगर है तो पॉजिटिव या वन अगर नहीं है तो जीरो या नेगेटिव, और अगर उस ऑर्गेजियम में इसका इस करेक्टर कोई लेना देना ही नहीं है तो यहाँ पर आ जाता है एनसी, यानी कि नो करेक्टर यहाँ देखिए नो करेक्टर तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव इसका यूज सीधा एनएक्सटी मैट्रिक्स में होता है तो उस, उसके लिए इंपॉर्टेंट है फिर आता है मल्टी स्टेट करेक्टर इट इज़ करेक्टर ऑफ मोर देन वन स्टेट्स ये तो नाम से ही पता चल रहा है मल्टी स्टेट कैरेक्टर में करेक्टर ऑफ मोर देन वन स्टेट सो मल्टी स्टेट करेक्टर जनरली इन्वॉल्व मोर देन वन करेक्टर ग्रुप टुगेदर अंडर सिंगल टेक्सोनॉमिक यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ करेक्टर इन्वॉल्व अंडर द मल्टी स्टेट करेक्टर इट इस तो समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि मल्टी स्टेट कैरेक्टर में सिर्फ एक करेक्टर नहीं बल्कि बहुत सारे सिमिलर करैक्टर्स को रखा जाता है और उन कैरेक्टर्स के बेसिस पर आ, अगर वो हैं या नहीं हैं या किस टाइप से हैं इसको फिर से दो आ, में बांटा गया है पहला है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव तो क्वालिटेटिव में जो है ये इसके इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इट कैन नॉट बी अरेंज्ड इन अ सिक्वेंस वहीं क्वांटिटेटिव की बात करें तो इट कैन बी अरेंज इन अ प्रॉपर सिक्वेंस तो ये इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं दोनों के सो क्वालिटेटिव कैरेक्टर में आते हैं जनरली क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड इन ऑर्डर और इन सिक्वेसन वैनर एज न्यूमेरिकल टेक्सनॉमी इज इंटरनेट टू बी दैट इज़ वाई दे आर रिप्रेजेंटेड एज टू स्टेट करेक्टर तो क्वालिटेटिव करेक्टर जो है ये प्रॉपर टू स्टेट करेक्टर होते हैं मल्टी स्टेट करेक्टर होते हैं वहीं क्वान्टिटिव करेक्टर दे आर रिप्रेजेंटेड बाई नंबर होते थे ये भी मल्टी स्टेट करेक्टर हैं लेकिन इनको हम नंबर uh, से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज़ वाई दे कैन बी अरेंज इन अ प्रॉपर सिक्वेंस इस्टेब्लिश इन ऑर्डर और रिलाइबल सीक्वेंस एंड अ करेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू इसका एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ यूबिस इन ए लीफ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई टू थ्री फोर कॉरस्पॉन्डिंग टू रेंज ऑफ द वेरिएशन फिर आते हैं डाटा एनालिसिस पे या डाटा प्रोसेसिंग में डाटा प्रोसेसिंग में, में एनेस्टमेट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है जहाँ पर जो सिंगल स्टेट कैरेक्टर जो होता है या बाइंड्री कैरेक्टर जो होता है उसका इस्तेमाल होता है और उसके बेसिस पर हम कैरेक्टर्स को सिमिलर या डिसिमिलर ऐसा क्लासिफाई कर सकते हैं सो डाटा प्रोसेसिंग इन्वॉल्वस फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सटी मैट्रिक्स हेयर टू फाइंड आउट सिमिलैरिटीज बिटवीन द ऑपरेशनल टेक्सनॉमिक यूनिट द गिवन ऑपरेशनल टेक्सोनॉमिक यूनिट हैविंग एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर पुट टुगेदर इन मैट्रिक्स टेबल एस गिवन तो एक मैट्रिक्स टेबल का फॉर्मेशन होता है जैसे कि एक करेक्टर है करेक्टर वन टू थ्री है वहीं पर ऑपरेशनल टेक्सनॉमिक यूनिट अगर करैक्टर वन जो है ऑपरेशनल टेक्सनॉमिक यूनिट के ए बी इसमें दोनों में प्रेजेंट है वैसे ही ये सी में एबसेंट है और डी में नो कंपैरिजन सिमिलरली करेक्टर टू वन और जीरो यानी कि ए में है लेकिन ये बी में नहीं है और इसमें नो कंपैरिजन सिमिलरली जो थ्री करेक्टर थर्ड जो है वो ए में भी है बी में भी है सी में नहीं है तो यहाँ पर हम सिमिलरिटीज़ बता सकते हैं कि जैसे कि ए और बी में ये करैक्टर है ए और बी में ये करैक्टर भी है तो इन दोनों को हम एक साथ रख के एक टैक्सोनॉमिक यूनिट बना सकते हैं और उसको इनिशियली एक क्लस्टर फॉर्मेशन करते हैं फिर और अगर आ, फिर भी सिमिलैरिटीज़ हैं क्लस्टर फॉर्मेशन के बाद भी क्लोज सिमिलैरिटीज़ हैं फिर उसका फिनोन का फॉर्मेशन होता है फिर आते हैं सीधा मेजरमेंट ऑफ रिजम्बलेंस में इसमें तीन चीज़ें होती हैं तीन बेंच मार्क्स हैं इसके भी कोफिशियंट बोलते हैं उनको कोफ़िशेंट ऑफ एसोसिएशन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन एंड द डिस्टेंस बिटवीन टनॉमिक हाँ टेक्सनॉमिक डिस्टेंस जिसको बोलते हैं सो मेजरमेंट ऑफ डिसम्बलेंस ऑफ फिनेटिक करेक्टर्स इज डन बाय थ्री मेथड्स कोफिशियंट ऑफ एसोसिएशन कोफिशियंट ऑफ को रिलेशन एंड द टेक्सनॉमिक डिस्टेंस सो हे मेजरमेंट ऑफ टेक्सनॉमिक डिस्टेंस इज डन इन मल्टी डायमेंशनल वेअर इच डायमेंसन रिप्रजेंट्स टेक्सनॉमिक ओ टी यू या ईच डायमेंशन फॉर ईच कैरेक्टर जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे फिर आते हैं सीधा फिफ्थ स्टेप में जो है क्लस्टर एनालिसिस क्लस्टर एनालिसिस से हम क्या समझते हैं तो क्लस्टर का फॉर्मेशन होता है द ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर ऑपरेशनल टेक्सोनॉमिक यूनिट आर पुट इन अ ग्रुप विच इज़ इनली कॉल्ड क्लस्टर ग्रुप ऑफ एनिमल्स और वेन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप टुगेदर बेस्ड ऑन द दफिनिटीज फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ रिजम्बलेंस आर टर्म्ड टर्मलैस क्लस्टर जनरली द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ए क्लस्टर है सिमिलर ऑपरेशनल टेक्सोनिक यूनिट तो ये देखिए ऑन द बेसिस ऑफ अफिनिटिस फ्राम द मेजरमेंट ऑफ रिजेंबलेंस तो जो हमने पहला जो चौथा जो स्टेप था मेजरमेंट ऑफ रिजम्बलेंस उसके बेसिस पर अगर अफिनिटीज अच्छी खासी हैं तो एक ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम क्लस्टर बोलते हैं जनरली द ऑर्गेनिज्म इन दिस क्लस्टर हैव सिमिलर ऑपरेशनल टेक्सोनॉमिक यूनिट फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजेंबलेंस अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सेम क्लस्टर द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रुप्ड इन क्लस्टर आर कॉल्ड द फिन फिर और ज़्यादा अगर रिजम्बलेंस हैं तो फिर एक और ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं फिनॉन तो बेसिकली फिन तो एक अलग ही के चीज़ है ये एक यूनिट है जिसमें बेसिकली हम बताते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ रिसम्बलेंस इसके आगे एक नंबर जो जाता है जैसे एट्टी फिन क्लोज रिसम्बलेंस नाइन्टी फिनोन वेरी क्लोज रिसम्बलेंस फोर्टी फिनोन नॉट सो क्लोज रिसम्डेंस ऐसा करके फिनोन के आगे नंबर जो जाता है फिर यहाँ यह पर एक इंफॉर्मेशन है ये है द क्लस्टर एंड द फिन आर द क्लस्टर एंड फिनोन आर देन पुट इन डेंडोग्राम विच समाइज मेन फ्यूचर ऑफ द क्लस्टर एनालिसिस तो क्लस्टर और फिनोन को फिर हम डेंडोग्राम में डेंडोग्राम भी एक ग्राफ टाइप का होता है उसमें रखते हैं जहां से हम जो मेन जो फ्यूचर है क्लस्टर एनालिसिस का वो समझ सकते हैं फिन तो व्हाट इज फिनोन पहले तो ये समझ लेते हैं फिनोन इज बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेंसिटी सॉरी ऑफ रिजेंबलेंस तो फिन जो है इंटेंसिटी ऑफ रिसम्बलेंस को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर फॉर रिप्रेजेंटिंग लेवल ऑफ रिजेंबलेंस नंबर इज़ प्रिफर्ड एग्जाम्पल एट्टी फिनॉन ऑर्गेनिजम्स जैसा कि मैंने कहा था कि नंबर जो लेते हैं फिनॉन के आगे और फिन एक तरह के यूनिट है एट्टी फिनॉन जैसे है तो क्लोज रिसम्बलेंस वैसी नाइनटी फिनोन तो वेरी क्लोज रिसम्बलेंस तो वैसी टाइप का ये फिनॉन आ जाता है तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि फिन और जो टेक्सोनिक ग्रुप जो हम बनाते हैं या टेक्सॉन जो टर्म है वाई दे आर नाट सेम मतलब वो दोनों चीज़ तो एक ही दर्शा रहे हैं जैसे हमने कहा टेक्सोनॉमी में जैसे टेक्सॉन है कोई किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीस वैसे ही आ, फिनोन में टेन फिनोन ट्वेंटी फिनोन थर्टी फिनोन फोर्टी फिनोन ऐसे कर करके जैसे जैसे नंबर इसका बढ़ता जाता है क्लोजनेस भी बढ़ती जाती है ऑर्गेनिजम्स के बीच की लेकिन यहाँ पर हम क्यों फिनोन और टैक्सोन को अलग अलग कहते हैं जबकि ये दोनों चीज़ें तो एक ही तरह की चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं तो इसका एक सीधा साधा आंसर है बैकग्राउंड्स दोनों का बैकग्राउंड अलग अलग है तो द फिनोन इज़ प्राइमरली इंटेंडेड टू तो कवर द ग्रुप और क्लस्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय द क्लस्टर एनालिसिस इट मे बी इक्वल टू द टेक्सनॉमिक रैंक प्रेजेंट इन द क्लासिकल टेक्सनॉमी बट द टर्म इनॉन इज नवर अनोनियम ऑफ द टेक्सोन इसके आगे एज द ग्रुप और क्लस्टर इस्टेब्लिश्ड बाय न्यूमेरिकल मेथड में बी सिमिलर टू द टेक्सनॉमिक रैंक ऑफ द क्लासिकल टेक्सनॉमी सच एज डिजन क्लास ऑर्डर बट दिस टर्म इज इवोल्यूशनरी एंड द नॉमिकलचर तो ये है आंसर की वाई दे आर नॉट सेम तो जो ट जो होता है टेक्सोनिक जो रैंक्स होते हैं उनके इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड्स होते हैं नॉमिन बैकग्राउंड्स होते हैं इसलिए इन दोनों को हालांकि दोनों रिप्रेजेंट तो सेम चीज़ कर रहे हैं लेकिन इन दोनों को सेम या सिनोनियम हम नहीं कह सकते फिर आता है डेंडोग्राम तो डेंडोग्राम इज अ ग्राफ लाइक फिगर जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सो so, डेंडोग्राम में क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसमें अलग अलग ऑपरेशनल टेक्सोनिक यूनिट्स उसका एक ट्री टाइप का हम बना देते हैं और फिर जो वर्टिकल लाइन होती है उसमें परसेंटेज का रिप्रेजेंटेशन होता है जित जिस लाइन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जाएगा मतलब जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जाएगा वो जो लाइन होता है वो रिप्रेजेंट करता है फिनॉन तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी नाइनटी हंड्रेड एंड दिस आर द आवर ऑपरेशनल टेक्सोनॉमिक यूनिट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाइन टैन तो यहाँ पर लाइन खींचा गया है एक हॉरिजॉन्टल लाइन 80 पे यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है 80 फिनॉन वैसे अगर यहाँ पर 90 और 100 के बीच के जाए 95 तो 95 फाइव फिनॉन फिर एक डायलॉग लिखा जाता है कि 80 फिनोन में कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं एक दो तीन चार पाँच छ छः कैरेक्टर्स आ रहे हैं सो सिक्स ऑपरेशनल टेक्सोनॉमिक यूनिट्स आर प्रेजेंट इन एट्टी फिनोन ऐसा करके हम लिख सकते हैं द डी लिमिटेशन ऑफ फिनोन इज डन बाय ड्राॅइंग हॉरिजोंटल लाइन इन द डेंडोग्राम द डेंडोग्राम इज़ अ ग्राफ लाइक रिप्रेजेंटेशन विथ गिवन नंबर ऑफ ऑपरेशनल टेक्सोनॉमिक यूनिट्स सो so, डिलिमिटेशन करते हैं फिनोन का किसके जरिए डेंडोग्राम के जरिए डेंडोग्राम में ऑपरेशनल टेक्सोनिक यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है उसको हमको बताना है सपोज हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ एट एट्टी परसेंट दैन इट रिप्रजेंट एट्टी फिनोन सो अब आगे बढ़ते हैं सिग्निफिकेंस में जो कि थर्ड टॉपिक है न्यूमेरिकल टेक्सोनिक का सो so, सिग्निफिकेंस क्या क्या है सो so, बहुत सिंपल सा है सिग्निफिकेंस भी सिग्निफिकेंस uh, के लिए मैंने छोटा सा ट्रिक बनाए हैं ट्रिपल ए आर बी पहला ए रिप्रेजेंट करता है अफिनिटीज को दूसरा दु, दु, रिप्रेजेंट कर, करता है एनालिसिस इन डाइवर्सिटी और तीसरा आंसर आर रिप्रेजेंट करता है री uh, एग्जामिनेशन और बी रिप्रेजेंट करता है बेटर एक्सप्लेशन सो अफिनिटीज सो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं अफिनिटीज ही तो पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सनॉमी अफिनिटीज बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन बी अंडरस्टूड नॉट ओनली फॉर प्लान्टो फॉर माइक्रो ऑर्गेजम देखिए न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन डिफरेंटनोमी डिट एक्सोनॉमिक ग्रुप्स अपार्ट फ्राम प्लान इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर टेक्सनॉमी ऑफ बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर आता है एनालिसिस इन डाइवर्सिटी एनालिसिस में क्या होता है अलग सिर्फ सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के एनालिसिस के बारे में बात नहीं करें न्यूमेरिकल टेक्सनॉमी के हेल्प से हम अलग अलग फील्ड के जो डाटा हम अवेलेबल है उनको एक साथ समझ सकते हैं उनके बीच अफिनिटीज क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि एनालिसिस ऑफ डिफरेंट एक्सनॉमिक डाटा फ्रॉम साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री हिस्टोलॉजी कैन बी डन अंडर द न्यूमेरिकल टेक्सनॉमी विच इज़ नॉट पॉसिबल इन ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमी फिर आता है आंसर्स तो न्यूमेरिकल टेक्सनॉमी के हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के अपफिनिटिस जो हमें मिले हैं उससे एक नए नए प्रिंसिपल्स बना सकते हैं नए नए ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं और नए नए सवाल भी उठा सकते हैं नए नए जवाब भी खोज सकते हैं बाय यूज़ ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सनॉमी न्यू प्रिंसिपल्स एंड एक्सप्लेनेशन फॉर डिफरेंट बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एल्यूशन कैन बी डन एंड न्यू क्वेश्चन एंड आंसर विल बी मेड इन दैट फील्ड तो वही बोला है कि नए प्रिंसिपल्स एंड एक्सप्लेनेसंस फॉर

और फिर आता है बेटर एक्सप्लेनेशन तो बेटर एक्सप्लेनेशन वही हो गया कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है ये ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमी के विपरीत कंप्लीटली न्यूमेरिकल है तो अलग अलग फील्ड के डाटा के बीच हम एफिनिटीज बना सकते हैं अलग बहुत सारे करेक्टर्स मतलब कुछ ही करेक्टर्स नहीं बहुत सारे करेक्टर्स को एक साथ एनालिस कर सकते हैं जिससे हमको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलता है एज अरिकल टेक्सोनॉमी इज़ कम्प्लीटली क्वालिटेटिव मोर एंड मोर अपनी कैन बी अंडरटेकन दस्ट प्रोवाइडिंग अ बेटर की एंड अ बेटर सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन सो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में तीन ही टॉपिक हैं पहला है इंट्रोडक्शन जिसमें हमको बताना है वॉट इज न्यूमेरिकल टेक्सनॉमी दैन फिर स्नीत एंड शोकल नाइनटीन सेवेंटी थ्री फिर आ जाता है द फॉर्मेशन ऑफ टैक्सोनिक ग्रुप जिसके छः स्टेप्स हैं पहला स्टेप है ऑपरेशनल टेक्सोनिक यूनिट का फॉर्मेशन करना दूसरा जो स्टेप है वो है यूनिट कैरेक्टर का फॉर्मेशन करना और यूनिट कैरेक्टर भी दो टाइप के होते हैं पहला होता है बाइनरी दूसरा मल्टी स्टेट मल्टी स्टेट में भी दो टाइप होते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फिर आ जाता है एनालिसिस वाला जो पार्ट है थर्ड जो है वो है डाटा एनालिसिस या डाटा प्रोसेसिंग जिसमें एन टी ए मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है फिर आता है फोर्थ स्टेप रिजेम्बलेंस एनालिसिस रिजेम्बलेंस में जो कैरेक्टर्स हैं उनका रिजेम्बलेंस कैसे चेक करते हैं उसके बारे में बताया गया है तीन उसमें क्राइटेरियास हैं पहला है कोफिशेंट एसोसिएशन कोफ़िशियंट ऑफ कोरिलेशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टेक्सोनिक डिस्टेंस फिर आता है फिफ्थ स्टेप जो है क्लस्टर uh, फॉर्मेशन तो क्लस्टर फॉर्मेशन में ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिमिलर ऑपरेशनल टेक्सोनॉमिक टेक्सोनॉमिक यूनिट्स आर पुट टुगेदर इन अ ग्रुप व्हिच इज कॉल्ड क्लस्टर क्लस्टर एनालिसिस के बाद फिन एंड रैंक फिन में वही हमको डेंडोग्राम का फॉर्मेशन करना है और फिनोन क्या होता है ये बताना है फिर आ जाता है हमारा सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस में पांच सिग्निफिकेंस हैं पहला है अफिनिटी दूसरा है एनालिसिस ऑफ इन डाइवर्सिटी तीसरा है न्यू क्वेश्चंस न्यू आंसर्स फिर चौथा है री एग्जामिनेशन और पांचवा है बेटर एक्स बेटर एक्सप्लेनेशन ड्यू टू क्वालिटेटिव सॉरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस सो दैट्स इट फॉर न्यूमेरिकल एक्सकोनॉमी एंड थैंक यू